उचिहा क्लैन के सबसे पावरफुल निंजाज में से एक शिज़ुई उचिहा आखिर कितना पावरफुल है? क्या ये अपने बेस्ट फ्रेंड इताची इतना पावरफुल है या फिर उससे भी ज्यादा? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते वीडियो की तरफ। तो अपने मंगे क्यू सारिंगन को यूज किए बिना भी शिज़ुई उचिहा अपने जनरेशन का सबसे स्किल्ड फाइटर था। और शिज़ुई के मंगे क्यू सारिंगन के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि शिज़ुई बिना उसके भी कितना पावरफुल था। तो फोर्थ डाटा बुक के अकॉर्डिंग शिज़ुई ने 3 चक्र निचर्स को मास्टर किया था, जो कि थे फायर रिलीज, विंड रिलीज और लाइटनिंग रिलीज। और हमको पता है यामाटो ने नारुतो को बताया था कि विंड और फायर को कंबाइन करने से बहुत पावरफुल फायर स्टाइल जुत्सु बनता है, जिसका मतलब है शिज़ुई का फायर अटैक बहुत भयानक होता होगा जब वो उसे विंड के साथ कंबाइन कर देता होगा। इसके अलावा इताची की सेकंड नॉवल में इताची खुद ये बोलता है अगर वो उचिहा क्लैन को मारने के मिशन में स्ट्रगल करता तब अगर शिज़ुई मरा नहीं होता तो डांजो ये मिशन शिज़ुई को दे सकता था। और इताची ये भी बोलता है अगर हम दोनों में लड़ाई होती तो शिज़ुई मुझे आसानी से हरा देता। हाँ, ये बात अलग है कि इस पॉइंट पे इताची सिर्फ 12 साल का था, लेकिन 12 साल के इताची को हराना कोई आसान बात नहीं थी। और यहाँ पर मैं उस सीन की भी बात करना चाहूंगा जिसमें डांजो शिज़ुई की एक आंख को ले लेता है। तो यहाँ पर असल में क्या हुआ था इसके बारे में हमें इताची की सेकंड नॉवल में ढंग से पता चलता है। इस नॉवल हमें बताया जाता है कि डांजो शिज़ुई का सामना करने से पहले अपने एक निंजा जो कि अबारामे क्लैन से था उसके इंसेक्ट का यूज करके शिज़ुई को पैरालिसिस पॉइजन दे देता है, जिससे शिज़ुई बहुत कमजोर हो जाता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इस फाइट के दौरान शिज़ुई पूरी तरह पैरालाइज था। तो इससे हमें पता लग जाता है कि डांजो की शिज़ुई से डायरेक्ट फाइट करने की हिम्मत नहीं थी। डांजो ने पहले सिचुएशन को अपने फेवर में किया, फिर शिज़ुई से फाइट की। तो अब बात करते हैं शिज़ुई की कुछ एबिलिटीज के बारे में। तो शिज़ुई की सबसे फेमस एबिलिटी है बॉडी फ्लिकर, जिससे उसे शिज़ुई द टेलीपोर्टर या शिज़ुई ऑफ द बॉडी फ्लिकर का टाइटल भी मिला। तो इस जुत्सु में शिज़ुई अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह छुपा लेता था और वो इतनी इनक्रेडिबल स्पीड से मूव करता था कि शिज़ुई की बहुत सारी आफ्टर इमेजेस क्रिएट हो जाती थी। और इतना ही नहीं, शिज़ुई उन आफ्टर इमेजेस से अपने अपोनेंट पे बहुत पावरफुल अटैक भी करता था। और एक और बात जो कि सोचने वाली है वो ये है कि कोटो अमात्सुकी जैसा पावरफुल गेंजुत्सु होने के बाद भी शिज़ुई द टेलीपोर्टर या शिज़ुई ऑफ द बॉडी फ्लिकर के टाइटल से फेमस था, जिसका सीधा सा मतलब है कि शिज़ुई बहुत फास्ट रहा होगा, जिसकी वजह से लोग उसके गेंजुत्सु से भी ज्यादा उसकी स्पीड से उसे जानते थे, जो कि काफी अमेजिंग बात है। इसके अलावा अगर हम एनिमी की बात करें तो नारुतो शिपुडन के एपिसोड 358 में हमें देखने को मिलता है कि शिज़ुई का फायरबॉल जुत्सु इतना स्ट्रांग रहता है कि उसे रोकने के लिए बहुत से निंजास की जरूरत पड़ती है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर्मली वाटर स्टाइल फायर स्टाइल को कैंसिल कर देता है। उसी सेम एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि हिडन मिस्ट निंजास को शिज़ुई से फाइट करने की वजह वहां से लौटने का ऑर्डर दे दिया जाता है, और वो भी सिर्फ शिज़ुई की गेंजुत्सु स्किल की वजह से, जिससे कि हम शिज़ुई की नेक्स्ट एबिलिटी पर आ जाते हैं जो कि है उसके मंगे क्यू सारिंगन की एबिलिटीज। तो हम सभी को पता है कि कोटो अमात्सुकामी सबसे पावरफुल जुत्सुज में से एक है, जो कि अपने टारगेट को एक ऐसे गेंजुत्सु में डाल देता है जिससे कि उनको पता ही नहीं लगता कि वो गेंजुत्सु में है। उनको ये तक लगता है कि उनके एक्शंस, मतलब वो जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, वो किसी गेंजुत्सु से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए शिज़ुई को आई कॉन्टैक्ट स्टेबलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, जो कि इसको और जानलेवा बना देता है। तो अब बात करते हैं शिज़ुई के सुसानो की। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि खुद किसिमोटो ने शिज़ुई के सुसानो को क्रिएट किया था। तो शिज़ुई का सुसानो ग्रीन कलर का है और शिज़ुई इसका यूज करके अपने एनिमीज पर बहुत सारे चक्र नीडल से अटैक कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से उन्हें डॉज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थी शिज़ुई की कुछ एबिलिटीज। तो इनसे आपको अंदाजा लग गया होगा शिज़ुई कितना स्किल्ड और केपेबल निंजा था। लेकिन अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि शिज़ुई आखिर कितना पावरफुल था। तो इसका जवाब अब आपको पता चल जाएगा। तो शिज़ुई और इताची को इंटायर उचिहा क्लैन के दो सबसे पावरफुल मेंबर कहा जाता था, जो कि बहुत इंप्रेसिव बात है। और यहाँ पर करंट जनरेशन की बात हो रही है, ना कि पहले की, मतलब जो उचिहास अभी करंटली जिंदा है कोनोहा में, यानी मादरा, ओबीटो, इजुना, इन लोगों को इसमें काउंट नहीं किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फुगाकू जो कि इताची और सास्के के फादर थे, उनको होकागे की पोजीशन के लिए कंसीडर किया गया था। ये बात अलग है कि वो होकागे बने नहीं थे, जिससे बहुत से लोग खासकर की उचिहा क्लैन के मेंबर अपसेट हो गए थे, क्योंकि इन लोगों के अकॉर्डिंग फुगाकू होकागे बनने के लिए परफेक्ट थे। और उनको होकागे नहीं चुनने की वजह से उचिहा क्लैन का रिलेशन विलेज के साथ और खराब हो गया, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। बल्कि जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि इस पोजीशन के लिए ओरोचिमारू और मिनाटो को भी कंसीडर किया गया था। तो अगर इतने लोगों को एक कॉन्फिडेंस था कि फुगाकू होकागे की सीट के लिए ज्यादा डिजर्विंग है उन दोनों से, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फुगाकू बहुत स्ट्रांग थे। तो अगर अब वो स्टेटमेंट जो कि शिज़ुई और इताची के लिए बोली गई थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इसका मतलब है कि वो दोनों फुगाकू से ज्यादा पावरफुल थे, जो कि शिज़ुई को कम से कम कागे लेवल जितना पावरफुल बना देती है। और इस बात को और सपोर्ट मिल जाता है
ओबीटो की इस स्टेटमेंट से। जब इताची सिर्फ 12 साल की उम्र में अकात्सुकी को ज्वाइन करता है तब ओबीटो खुद उसे अपना राइवल कंसीडर करता है। वही ओबीटो जिसने मिनाटो से फाइट की थी और नाइन टेल को भी अपने कंट्रोल में किया था, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सीजुई कितना पावरफुल था, लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी सीजुई फाइट्स को अवॉइड करता था, जो कि हमें इताची की दोनों नॉवल से पता चलता है। और इसकी एक वजह भी थी जो कि हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। I'm not the one who's running out of time.